हाउ टू इंडेक्स योर वेबसाइट ऑन गूगल। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम। आज हम बात करेंगे कि आप अपनी वेबसाइट को गूगल पे कैसे इंडेक्स कर सकते हैं, और साथ ही साथ मैं बताऊंगा कैसे कौन कौन सी तरीके हैं इंडेक्स करने के। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। लेट्स स्टार्ट। अब आप अपना गूगल खोलो। गूगल में यहाँ पे आपको टाइप करना है सर्च कंसोल। सर्च कंसोल टाइप करने के बाद एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद आपको फर्स्ट रिजल्ट मिलेगा, सर्च कंसोल इनसाइट टूल। तो आप उसको ओपन कर लो। ओपन करने के बाद ये आपका खुल चुका है गूगल कंसोल, जहाँ पे आपको रजिस्टर करना है। देन आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर दो। यहाँ पे आपको सिर्फ दो ऑप्शन मिलेंगे डोमेन वेरीफाई करने के। एक पहला डोमेन के थ्रू, यहाँ पर आप अपनी डोमेन डाल के DNS के थ्रू इंडेक्स कर सकते हैं, या ये वाला ऑप्शन। यहाँ पे आपको कहीं सारे ऑप्शन मिलेंगे, इसलिए हम ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको कौन कौन से ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे अपनी साइट का URL डालने के बाद एंटर करना है, फिर आपको कई सारे ऑप्शन प्रोवाइड कर देंगे, जैसे कि HTML फाइल, HTML टैग, गूगल एनालिटिक्स। तो HTML टैग का सिर्फ कॉपी करना होता है, पेस्ट करना होता है। गूगल एनालिटिक्स के लोग थ्रू भी हो सकता है, और आपका DNS के थ्रू भी हो सकता है। तो हम पहले मेथड देखेंगे HTML टैग के थ्रू। हम HTML टैग के थ्रू इसलिए करते हैं क्योंकि ये सबसे ईजी मेथड है। आपको सिंपली कॉपी करना है बस यहाँ से टैग, मेटा टैग, और आपको अपना वर्डप्रेस का WP एडमिन पैन खोल लो। WP एडमिन में जाने के बाद जब आपका मेन आ जाए तो अपेयरेंस में जाना है। अपेयरेंस में जाने या थीम एडिटर खोलना है। थीम एडिटर खोलने के बाद आपको अपने header.html पे जाना है। अब theme.header.html पे PHP पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको कोडिंग वाला पार्ट मिलेगा पूरा, जो मेन आपका हेडर पार्ट है। और हमें वहाँ पे हेड सेक्शन के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद देन अपडेट फाइल करनी है। ये पेस्ट हो चुका है, अपडेट भी हो गया है। अपडेट होने के बाद आपको सिंपली वहाँ जाके वेरीफाई करना है। डन नहीं करना, वेरीफाई करना है पहले। वेरीफाई करने के बाद आपका ऐसे डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। मैंने पहले किया हुआ है इसलिए मेरा डैशबोर्ड दिखा रहा है पूरा, क्योंकि मेरा स्कोर भी दिखा रहा है, कितना ट्रैफिक है, कितना वो है। ये इंडेक्स हो चुकी है। इंडेक्स होने के बाद ये आप देख रहे डैशबोर्ड, यहाँ पर इंडेक्स होने के बाद आपको जाना है साइट मैप पर। साइट मैप पे जाने के बाद आपको यहाँ पे अपना sitemap.xml फाइल को सबमिट करना है। इससे होगा क्या, आपकी साइट को गूगल क्रॉल करेगा। क्रॉल यानी कि आपके सारे पेजेस को चेक कर लेगा अपने आप ऑटोमेटिकली। उसको हम क्रॉलर्स कहते हैं, जो आपकी साइट को पूरा चेक करते हैं और वेबसाइट पे इंडेक्स कर देते हैं। जैसे जैसे आप पोस्ट पेजेस डालते रहेंगे वो टाइम टू टाइम अपने आप क्रॉल करता रहेगा। जैसे कि मैंने अब साइट मैप डाल के सबमिट कर दिया, ये सक्सेस भी हो चुका है। आप भी अपना साइट मैप यहाँ पे डाल दीजिए। अगर आपका नहीं बना है तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, उसमें रैंक मैथ के थ्रू या योस्ट एसईओ के थ्रू हमने साइट मैप क्रिएट किया था, आप भी वैसे कर सकते हैं। अब हम दूसरे मेथड पे चले जाते हैं कि दूसरा मेथड को कैसे हम यूज़ करना है। अब हम करेंगे दूसरा मेथड गूगल के। अब हम दूसरे मेथड पे चले जाते हैं। अब दूसरा मेथड हम करेंगे GoDaddy के DNS के थ्रू। अब आप अपना GoDaddy अकाउंट लॉगिन कर लो। ये उनके लिए है जिनका अगर वेबसाइट इस मेथड से इंडेक्स नहीं हो पा रही है। अगर आपकी वेबसाइट इंडेक्स हो चुकी है तो आप ये मेथड मत करिएगा। अगर नहीं हो पाई है तो आप इस मेथड को यूज़ करिएगा। अब अपना GoDaddy अकाउंट लॉगिन करने के बाद प्रोडक्ट्स में चल जाओ। प्रोडक्ट्स में जाने के बाद आपको अपना DNS ओपन करना है। DNS ओपन करने के बाद आपको वहाँ पर एक रिकॉर्ड क्रिएट करना होता है, जिससे कि क्रॉलर्स चेक कर सकें। अब हमने रिकॉर्ड क्रिएट किया है, टाइप लेंगे हम txt। यहाँ पे अपनी नेम डाल होस्ट डालेंगे, अपनी वेबसाइट का नाम, और txt में डालेंगे हम DNS का ये कोड जो हमें कंसोल से मिला है। उसको हम यहाँ पेस्ट कर देंगे, देन इसको सेव कर देना है। ये मैं सेव इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं पहले उससे हो चुका है मेरा क्रॉल, तो मैं दोबारा नहीं करूँगा। अगर आपका नहीं हुआ है तो ये मेथड यूज़ करिएगा। ये होने के बाद आप ये वेरीफाई करना है।
डन नहीं करना, वेरीफाई करना है पहले। कंसोल पे चले जाओ और वहाँ पे अपना व्यूज़ और परफॉर्मेंस आप वहाँ चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगा।